भारतीय एथलीट अविनाश सावले ने पेरिस ओलंपिक में सोमवार को यहां पुरुष 3000 मीटर स्पीटल चेज स्पर्धा में अपनी हीट में पांचवें स्थान के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाइंग किया है। वह इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले एथलीट बन चुके हैं। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी सावले ने दूसरी हीट में 8:15.43 समय के साथ पांचवां स्थान हासिल किया है। तीन हीट के शीर्ष पाँच पाँच स्थान पर रहने वाले धावकों ने फाइनल का टिकट कटाया है। सावले की हीट में मोरक्को के मोहम्मद इड़ाफा ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन 8:10.62 के समय के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। बता दें, इस 29 साल के खिलाड़ी ने रेस की अच्छी शुरुआत की और पहले 1000 मीटर के बाद शीर्ष पर रहे, लेकिन इसके बाद कीनिया के अब्राहम किबिट्रोट ने बढ़त बना ली और सावले ने खिसक कर चौथे स्थान पर फिसल गए। वह 2000 मीटर की दूरी को 5:28.7 में पूरी करने के बाद तीसरे स्थान पर थे। वह इसके बाद पांचवें स्थान पर खिसक गए, लेकिन उन्होंने छठे स्थान पर काबिज अमेरिका के मैथ्यू विलिक्सन पर बढ़त बनाई रखी और आखिरी पलों पर ज्यादा जोर नहीं लगाया। इस स्पर्धा का फाइनल भारतीय समय अनुसार 7 और 8 अगस्त को दरमियानी रात को होगा। वहीं इससे पहले किरण पहल अपनी हीट रेस के 7वें स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 400 मीटर में सेमीफाइनल के स्वतः जगह बनाने में असफल रही। अब वह बेकचेज दौड़ में दौड़ेंगी। अपना 24वां जन्मदिन मना रही किरण ने 52.51 सेकंड का समय लिया, जो उनके सत्र के 50.92 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ में काफी कम था। डोमिनिका की विश्व चैंपियन मारिलेट पालिनो ने 49.42 सेकंड के समय के साथ हीट। इसके बाद अमेरिका की आलिया बटलर 50.52 और ऑस्ट्रिया की सुजैन गोगल वाली ने 50.67 क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। बता दें, 6 हीटों में से प्रत्येक में शीर्ष 3 में सेमीफाइनल की जगह पक्की की जाती है, जबकि डीएनएस रेस शुरू नहीं करने वाले, डीएनएफ रेस खत्म नहीं करने वाले और डीक्यू आयोग को छोड़कर अन्य सभी मंगलवार को होने वाले रिंचेव दौर में भाग लेंगे। किरण ने जून में राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 50.92 सेकंड का समय निकालकर पेरिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाइंग किया था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।